हाय हाय, आज मैं गॉल्फ कोर्स रोड में आया हूँ और गॉल्फ कोर्स रोड का ये बिल्कुल वेल माउंटेड प्रोजेक्ट है जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सर का अपार्टमेंट है वहाँ पे और सर इस अपार्टमेंट को सेल ऑफ करना चाहते हैं। जी सर, ये कौन सा सेक्टर है? ये सेक्टर 53 है, गॉल्फ कोर्स रोड। जी, वन ऑफ द प्रेस्टीजियस एड्रेसेस हियर। ऑलराइट सर, सो दिस इज सेक्टर 53 ऑफ गॉल्फ कोर्स रोड। और मैं अगर यहाँ से पीछे मुड़ूँ तो ये जो आपको मेट्रो दिख रहा है ये गॉल्फ कोर्स रोड का मेट्रो है और हम इस सोसाइटी के अंदर जाने वाले हैं। सो जब आप एंटर करते तो ऐसी पॉश है। बोर्ड आल्सो विच दिस फैसिलिटी ऑफिस क्लब होल्ड मेंटेनेंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे डिस्प्ले बोर्ड्स में जो भी फैसिलिटीज है वो लिखे हुए हैं, सारे टावर्स के पास ऐसा लिखा हुआ है। सर, आज हम आपका फ्लैट देखेंगे जिसको आप सेल ऑफ करना चाहते हैं एंड ये आपकी सोसाइटी है। जब मैं अंदर आया था तो मैंने देखा कि काफी अच्छा ग्रीन स्पेस है ये पूरा। एब्सोल्युटली वेरी वेल मेंटेन्ड सोसाइटी। जी, एंड वन ऑफ द वेरी रिप्यूटेड वन एंड दैट इन गॉल्फ कोर्स रोड। ऑन गॉल्फ कोर्स। तो हम जब आते हैं कार लेके, अगर कोई गेस्ट आते हैं तो हम इस डायरेक्शन में आते हैं, देन हम यहाँ पे ये पोर्च है, पोर्च एरिया है एंड यहाँ से हम एंटर करते हैं। एब्सोल्युटली। सिक्योरिटी कैसा है सोसाइटी? सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, 24 आवर्स एंड वेरी एंड दे आर नॉट चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, सो दे नो एवरीबडी, सबको जानते हैं। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कोई भी अननोन पर्सन एंटर नहीं कर सकता। अच्छा, इनके नोट। ओके, तो अब हम यहाँ से एंटर करते हैं। हाँ जी। तो जैसे कोई गेस्ट आ रहा है एंड हाँ वो आप तो जानते हैं गेस्ट को बट सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं जानते होंगे, तो हाँ। पहले गेट से आपके पास कॉल आता है यहाँ पे? हाँ, गेट से कॉल आता है। जी, गेट से कॉल आता है, उसके बाद यहाँ हम प्रायर इंटीमेशन दे के रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं आपके वेटिंग एरिया में, तो इनको भी ये अलाउ कर देते हैं सीधा जाने के लिए या ये भी पहले वन राउंड ऑफ चेक ये भी करते हैं? सर्टेन केसेस में सवाल पूछते हैं, वैसे जैसे मैंने इनको बताया हुआ था आप आने वाले हैं तो फिर ये आपको अलाउ कर देंगे। ओके, तो ये आपका वेटिंग लाउंज जैसा हो गया कि गेस्ट आके यहाँ पे वेट कर सकते हैं। हाँ, देन हम हमारा जो फ्लैट है सर वो किस फ्लोर में है? हमारा ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर विद पार्क बोथ साइड। पार्क बोथ साइड है। चलिए सर देखते हैं। पर्सनल लॉन। जी, तो हम यहाँ से अंदर चले। कंप्लीट। जी, ये आपका लिफ्ट एरिया हो गया, बट क्योंकि आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तो आपको लिफ्ट की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। और डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे सर? डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं है। दीज आर द टू लिफ्ट फॉर द फैमिली एंड द विजिटर। देयर इज अ सर्विस लिफ्ट आल्सो व्हिच इज यूज्ड बाय सर्वेंट। सो दीज टू लिफ्ट्स आर फॉर फैमिली, फॉर द रेजिडेंट एंड विजिटर। ओके, यहाँ पर आगे एक लिफ्ट है। जी, ये जिसको फायर लिफ्ट या सर्विस लिफ्ट बोलते हैं वो है। अच्छा, दिस इज यूज मोस्टली बाय द सर्वेंट एंड फॉर कैरिंग गुड्स एटसेट्रा। ओके, एंड आज के बिल्डिंग में दो एग्जिट होती है सीढ़ियों की। हाँ जी, तो एक फायर एग्जिट होता है, एक नॉर्मल स्टेयर्स केस होता है। हाँ, तो यहाँ पे भी दोनों हैं। यस, एक ये पीछे आप देखिए, ये वाला इधर आप, हाँ इधर भी दिख गया है सामने। हाँ, ये सामने, ये सामने पार्क है। वेरी नाइस सर, ये खुला हुआ, आई थिंक ये है अपार्टमेंट दैट आई एम वांटिंग टू शो टू यू। ह्यूज डोर। ह्यूज डोर सर। बड़े बड़े फर्नीचर्स भी अगर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, कोई टेंशन ही नहीं। सर, ये साइज क्या है आपके अपार्टमेंट का? ये 4,000 square feet का अपार्टमेंट है। 4,000 सुपर एरिया है? सुपर एरिया। सुपर एरिया जी। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल पैनल है, इसके अंदर होगा सारा कुछ। ऑलराइट, करंट तो नहीं मरेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर, कितने साल हो गए आपको इस? मैंने आई एम ओनिंग दिस अपार्टमेंट फॉर लास्ट 8 years। एट ईयर्स मैं जब अंदर आया हूँ तो मुझे काफी फिनिश लग रहा है, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड। ऐसा लग नहीं रहा कि 8 साल पुरानी। नहीं, अच्छे से मेंटेन्ड है एंड आई हैव बीन लकी दैट आई हैव गॉट गुड पीपल हु लिव्ड इन द अपार्टमेंट एंड दे मेंटेन्ड इट प्रीटी वेल। ऑलराइट, व्हाट इज द काइंड ऑफ रेंट इन दिस अपार्टमेंट? द लास्ट रेंट व्हिच आई वाज टेकिंग फ्रॉम माय टेनेंट वाज 1 lakh प्लस मेंटेन। सर, आपका जो अपार्टमेंट है इसकी मेंटेनेंस क्या? 1 lakh rupees तो आपने रेंट बताया। रेंट बताया, मेंटेनेंस करीब 15,000 rupees महीने की मेंटेनेंस है सोसाइटी की, व्हिच टेक्स केयर ऑफ ऑल द मेंटेनेंस ऑफ एक्सटीरियर, गार्डनर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, एवरीथिंग, एवरी सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। कंप्लीटली फुल्ली पावर बैकअप? फुल पावर बैकअप, 24 hours कंप्लीट बैकअप। तो हम इस एरिया से एंटर करते हैं। हाँ। और ये फर्स्ट ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम है, दिस इज द ड्राइंग रूम। इसका साइज क्या होगा सर? इसका साइज है 15 by 20.5 feet है। 15 feet by 20.5 feet। हाँ। मैं एक बार इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पूरा घूम कर दिखाता हूँ। हाँ। कि सबको समझ में आए। दिस इज ह्यूज, दिस इज गुड, मतलब एक
अगर मैंने बाकी फ्लैट्स देखे हैं तो कुछ कुछ फ्लैट्स में तो इतना स्पेस में डाइनिंग रूम और लिविंग रूम दोनों होता है। नहीं, नहीं, डाइनिंग रूम यहां सेपरेट है, लिविंग रूम सेपरेट है। आई थिंक दिस विल बी द डाइनिंग रूम। दिस इज द डाइनिंग रूम जी। और इसका साइज क्या है? रूम है 12x30 का, 12x30 फिट का डाइनिंग एरिया। ओके, एंड इसके साथ पाउडर रूम अटैच, पाउडर रूम यहाँ पे, सो दैट गेस्ट को अगर वॉशरूम यूज करना है तो उनको घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और एंड ये पीछे वाला क्या शाफ्ट है? शाफ्ट है। ओके, ऑलराइट सर, ह्यूज है। अगर मैं यहां से उस जगह पे देखूं तो आराम से, अगर आप इवनिंग वॉक भी करते हैं यहाँ पे तो ये इतना सफिशिएंट स्पेस है कि आप आराम से घर पे इवनिंग वॉक कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्पेस है। एंड आपने बोला गार्डन, गार्डन स्पेस भी है। There are open spaces and this has access from all the room and drawing room, dining room, every place you have access to this. Total कितने room है इस apartment में? इसमें 5 bedroom है, एक drawing room है, एक living room है और एक dining room है। अभी हमने dining room देख लिया, living room देख लिया। Yeah, we have seen just 2 of them. Okay, अभी हम सब कुछ देखेंगे sir. हाँ, बिल्कुल sir. ये my place. Garden area. फिलहाल अभी garden maintained नहीं है। हाँ. But अगर ये maintain आप करके रखते हैं garden को, तो सीधी size of the garden. यहाँ से बिल्कुल एंड तक है एंड हर रूम की कनेक्टिविटी गार्डन के साथ है। दिस इज अ प्राइवेट लॉन, प्राइवेट लॉन, तो दे कैन ग्रो द ट्रीज, ये जो बुशेस हैं इसको और ऊपर करके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रास लगवा, मतलब नेचुरल ग्रास भी लग सकती है, अदरवाइज इफ यू कांट मेंटेन दैट देन आप आर्टिफिशियल ग्रास भी लगा सकते हैं। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल जी। ओके सर, इसमें आपने एसी फिट किया हुआ है ऑलरेडी, तो जो भी इसको खरीदेंगे वो ये लाइट्स वाइट्स एसी वेसी सब आप कुछ? लाइट वगैरह तो सब होती ही है, वो तो दैट इज देयर। एसी का कैन बी गिवन विद द अपार्टमेंट, इट इज सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन ऑफ द प्राइस, दैट कैन बी ऑल राइट। ऑल एसी आर फिटेड अदरवाइज जी। अभी हमने डाइनिंग रूम देख लिया, लिविंग रूम देख लिया, दिस इज किचन, दिस इज द किचन। ओके सो किचन के अंदर हम चलते हैं। किचन का साइज क्या है सर? किचन इज 10x15 फुट। ओके, व्हाट यू आर सीइंग इज 10 फीट डेप्थ एंड 15 फीट इज द विड्थ। ऑल राइट, I can see बहुत नीट एंड क्लीन है। थैंक यू। आपके जो टेनेंट भी थे उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है। थोड़ा बहुत तो वी आर आउट टू गेट हियर, थोड़ा बहुत तो होता है सर। इट्स बीन 10 इयर्स। ओके, एंड अटैच्ड टू किचन इज दिस सर्वेंट रूम इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, दिस इज द सर्वेंट रूम, तो इसमें वॉशरूम है सेपरेटली फॉर सर्वेंट। ऑलराइट, एंड इट हैज एक्सेस from the outside also. If you want, you okay, can that door is the that is the access to the lobby area outside. Okay, ये सामने वॉशरूम है। हाँ जी, वॉशरूम सर्वेंट रूम का ये डोर है, ये बाहर जाने का गेट है जी। तो वी कैन आइसोलेट सर्वेंट इफ यू वॉन्ट टू, इन द नाइट वी कैन क्लोज दिस एंड देन ही कांट एंटर द हाउस। इवन इफ यू वॉन्ट टू क्लोज, यू कैन क्लोज द किचन फ्रॉम हियर, किचन आल्सो, एंड इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। यस, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो आपने किचन को क्लोज कर दिया। हाँ, और सर्वेंट को किचन का एक्सेस मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट कैन बी डन इन दैट मैनर। यस सर्टेनली, ऑल राइट। सो ये सारी फिटिंग्स के साथ मिलेंगी? यस 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 यस। ओके सर, एक बार ड्रॉअर खोल के दिखा देंगे मुझे प्लीज? ऑल राइट, बंद कर दीजिए सर। थैंक यू जी। अगर किसी को ये सब चीजें चेंज करनी पड़ी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी अलग हो गया, डिजाइन भी अलग हो गए है ना, तो चेंज करना पड़े तो वो ये सब उसी कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा, आप करा के देंगे या जो आएंगे वो खुद अपने? नॉर्मली दिस इज अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, अलग अलग चॉइस होती है जी, जी। मैं कुछ करवाऊंगा, मेरे पैसे भी लगेंगे, उनको मैं उनसे रिकवर भी करूंगा, और उनको पसंद ना आए उसका कोई पॉइंट नहीं है। ओके, नॉर्मली इट इज प्रेफर्ड दैट द पर्सन गेट्स इट डन एट हिज कॉस्ट। ऑलराइट, व्हाइल that be the statement, we can decide that it can be done by the person who is wanting to buy, जो खरीदना चाह रहा है अपनी choice से, वो जो waiting period होता है उसके अंदर करना चाहे तो मैं allow कर दूँ। All right, समझ गया। So that जब वो register करवाएं तो उसके बाद it is immediately ready to move it. They can immediately move to on the next day. ऐसा नहीं है कि वो मेरे से पहले register खरीदेंगे उसके बाद काम करवाएंगे, which may take 1 month or whatever, because everything takes time. Right sir. तो उसमें क्या है कि अगर ऐसा वर्कआउट होता है तो मैं वो भी परमिट करने के अंदर मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती। ठीक है सर, तो हमने किचन भी देख लिया, अब हम कौन सा रूम देखेंगे? हम बेडरूम की तरफ चलते हैं जी। या बेडरूम से पहले मैं आपको लिविंग रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद पांचों बेडरूम एक साथ देख लेंगे। ठीक है, दिस इज द फैमिली लाउंज।
सर आपने बाहर दिखाया और लिविंग एरिया वहां पर, उसके बाद आपने डाइनिंग रूम हॉल भी दिखाया यहाँ पे, ये वाला स्पेस, एंड देन यू आर सेइंग कि फैमिली लाउंज भी है। फैमिली लाउंज जो नॉर्मली लोग टीवी वगैरह लगा लेते हैं बच्चों की एक्टिविटी, गेम्स खेलने के लिए कुछ, मतलब इट इज अ फैमिली लाउंज एरिया। इससे तो आपको फेयरली वेल साइज 12x18 फुट का। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे डोर भी है कि आप लॉन में जा सकते हैं यहाँ पे, तो पीछे भी लॉन है जो भी हमने देखा, और आगे भी लॉन है, आगे वाला भी हमने जाकर नहीं देखा, अभी जाकर नहीं देखा है, वो भी मैं आपको दिखा जी। तो ये मैं ये भी देख रहा हूँ सर कि यहाँ पे लॉफ्ट एरिया भी दिया हुआ है, दोनों दो साइड पे लॉफ्ट, इस तरफ भी है एंड इस तरफ भी है। दिस इज अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ दिस अपार्टमेंट बिकॉज नॉट मेनी अपार्टमेंट आर लॉफ्ट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच यू डोंट वांट टू कीप इन योर अलमारा व्हिच कैन जस्ट गो एंड सिट देयर अप, राइट? इट इज वेरी 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 यूजफुल फॉर दैट काइंड ऑफ अ यूसेज। एब्सोल्युटली ट्रू सर, अगर मेरा घर होगा जब भी तो ऐसा लॉफ्ट तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, दिस इज मैंडेटरी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं बहुत सारी ऐसी चीजें होती है व्हिच यू कांट which you don't want to throw, but which is not in daily use. Right. आपको दिवाली पे गिफ्ट आते हैं, अब आपको you have already those items. आपको कहते चलो इसको I will find some time to use it or some other usage for this. Correct. But till that time you want to keep it somewhere. So this is the place. Yes, and ये storage भी बहुत बड़ा है, अगर ये स्पेस आप देखेंगे तो ये अपने आप में आई थिंक ये करीब 5-6 फिट का है, वो वाला longer है, वो 7-8 फिट का है करीब। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे लॉफ्ट है ये यहाँ से शुरू होता है एंड देन इट गोज अप टू हियर। एब्सोल्युटली बहुत बड़ा है सर, एंड विड्थ भी आई थिंक 4.5 फीट ह्यूज। जी थैंक यू। अब कौन सा देखा? मैं आपको बेडरूम दिखाता। मैंने अभी तक जितना भी देखा है कहीं पे मुझे सिपेज नजर नहीं आया। नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं अपार्टमेंट में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, छुटपुट चीजें हो जाती हैं, वो करनी पड़ती है, कहीं ये इन्होंने एंटीना वायर है तो बाहर निकला पड़ा है जी, ये एंटीना का वायर था जो टीवी लगा हुआ था, अब ये ठीक है करवाना पड़ता है, ये तो छोटे मोटे चीज है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब कौन सा बेडरूम में चलते हैं? जी सर, पहला बेडरूम एज वी कम फ्रॉम एंट्री दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड, हम वहां से एंटर करते हैं एंड देन हमने ये बेडरूम है ये। ओके जी, इसका साइज क्या है सर? दिस इज 12x16 12 feet by 16 feet। एंड देन यू हैव अ वॉकिंग क्लोजेट आल्सो यहां पे। हां, वॉकिंग क्लोजेट है एंड देन देयर इज अ बाथरूम आता है। ओके, वॉकिंग क्लोजेट यहां पे आप बड़ा सा शीशा लगा सकते हैं, ऑलरेडी स्पेस स्पेस है शीशे का, इट ब्रोक, कभी टूट गया होगा जी सर, 10 साल हो गए दे वर शिफ्टिंग इट, इट गॉट डैमेज, राइट? एंड ये वॉशरूम, दिस इज द बाथरूम। What is the size of bathroom, sir? Geyser लगा हुआ है already. And ऊपर फॉल सीलिंग है। Bathroom का 10 feet by 6 feet. 10 feet by 6 feet. Yeah. And this is the sink area. Yeah. Okay. और ये walk-in closet वाला area आप चाहें तो यहाँ पे भी ऊपर तक अलमीरा बना सकते हैं। हाँ जी, बना सकते। हालांकि घर इतना बड़ा है सर, जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अलमीरा बहुत प्रोवाइड किए हुए हैं जी, उसमें कोई चैलेंज है नहीं जी। अब मैं देख रहा हूँ सर कि अलमीरा के अंदर लाइट्स जली हुई है पहले से। यस यस यस, ऑल द अलमीराज हैव लाइट स्विचेस ऑन। तो पहले से लाइट क्यों जली है? मैंने जब आया था तो सारे स्विच ऑन कर दिए थे लाइट। अच्छा, कि बार बार कोई अगर आया? हाँ, अगर आप आए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं लाइट ऑन हो तो बेटर रहता है, फीचर दिख जाता है, अदरवाइज स्विच ऑफ स्विच ऑन, देयर इज अ स्विच फॉर दिस। ऑलराइट, ओके सर। और ऊपर भी आपका स्पेस, ऊपर भी पूरा स्टोरेज है जी। एंड देन यहाँ इस रूम से भी अगर आप बाहर जाते हैं तो गार्डन एरिया से, गार्डन एरिया फ्रंट लॉन के अंदर रहता है। ओके, तो ये फ्रंट लॉन है, हम इससे पहले पोर्च एरिया वहां पे था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आपका फ्रंट लॉन है, पूरा गार्डन एरिया आप इसको डेवलप कर सकते हैं। ये फुल लेंथ है और ये फुल लेंथ है, ये आगे जाके कनेक्ट भी होता है क्या सर? नहीं, आगे से कनेक्ट नहीं होता, बट ये दीज आर टू सेपरेट लॉन, टू सेपरेट लॉन्स। ओके, एंड सामने जो है मैं देख सकता हूँ कि बच्चों के खेलने के लिए प्रोविजन बने हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, और ये जो आप सामने देख रहे हैं जी, दिस इज द लिफ्ट एंड स्टेयरकेस टू गो इनटू द बेसमेंट पार्किंग। अच्छा, यस, वेरी नाइस, देयर आर थ्री पार्क है। हाँ, वेरी नाइस सर। हाउ मेनी पार्क्स आर देयर इन दिस? देयर आर 3-4 पार्क, बट बिकॉज आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस सो आई एम फेमिलियर विद, दिस इज अ वेरी वेल मेंटेन्ड पार्क, even in severest of summer ji, this is absolutely green and sparkling. Yes, it is severe summer now and yes, it's green. Ha, yes, it is. Very maintenance nice. Is the hallmark of the society and I can see birds ke liye bhi pani ke liye provision bana hua hai wahan. Yes, you are right. Yes, very nice sir ji. Ye humne pehla room dekh liya. Ha ji ha ji, to ye room humne dekh liya, ab hum second room mein chalte hain.
सो अभी तक हम सेकंड में आए, तीन और रूम अभी बचे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। सो ये भी अलमीरा है। हाँ, सिमिलर है। ऑल राइट, तो नीचे भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है। एंड इस रूम का साइज क्या है सर? इस रूम का साइज है 13 feet by 15 feet का ये रूम है। एंड इसमें भी अटैच वॉशरूम है। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। कहीं पे टूटा फूटा लीकेज ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सर मुझे? नहीं नहीं है, लीकेज वेरी वेल मेंटेन। ये सेकंड रूम हमने देख लिया। तो वी हैव सीन टू बेडरूम्स एंड द थ्री। एक अच्छी चीज मुझे और भी लगी कि अगर कोई गेस्ट भी आता है सो दे वोंट बी एबल टू सी कि बेडरूम्स में क्या हो रहा है। अगर फैमिली है, एब्सोल्युटली दे वुड हैव कंप्लीट प्राइवेसी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नाउ दिस इज द थर्ड बेडरूम। This is the third bedroom. Yeah. इसका साइज क्या है सर? 13 by 17 feet. 13 feet by 17 feet. And this is described as master bedroom. Okay. So this is the master bedroom. और ये फिर से आपका walking closet. Yeah. And similar kind of a facility like. Right. यहाँ पे उस रूम से ज़्यादा बड़ा स्पेस है। हाँ। जी। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, फिर दिखेगा ये। Right. ये पूरा स्पेस है आपका स्टोरेज के लिए। Very nice. एंड अब मैं वॉशरूम दिखाता हूँ आपको। ओके, वी हैव अ बाथटब इन दिस। या सुपर। एंड देयर इज अ शावर एनक्लोजर आल्सो। जी, यहाँ बाथटब हो गया, डब्ल्यू सी शावर एनक्लोजर। मैं ये ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। एंड क्योंकि अभी टेनेंट नहीं है और सारे टैप्स वैप्स ये सब जो है वो बंद है, लेकिन फिर भी आई कैन नॉट सी इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दिस टैप्स, तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। नहीं, लीकेज अपार्टमेंट में कहीं नहीं है। जी, देन यू हैव दिस एरिया। तीन रूम हमने देख लिया सर, एंड देन यू हैव अ मिरर हियर, ड्रेसिंग मिरर। आई थिंक किसी भी घर में फीमेल जो होंगी सबका फेवरेट रूम यही होगा। सो वी हैव डन थ्री बेडरूम, नाउ वी आर गोइंग इनटू द फोर्थ। दिस इज द फोर्थ बेडरूम। And fourth bedroom का size क्या है सर? इसका size है 12 feet by 15 feet. 12 feet by 15 feet. Yeah. So almost सारे rooms 12 feet by 15 feet है, कोई 17 feet है? हाँ, right. Super. They are large bedrooms. Yes. ऊपर में. These are the similar storage upward of yeah. And नीचे भी वो जैसे similar standard room cupboard का है. Correct. लेने के बाद किसी को अपने taste का कुछ करवाना हो तो they are ready. They'll be able to do it. ओके, यहाँ पे भी? हाँ जी, बिल्कुल। सर ये हर रूम ही आपको मास्टर बेडरूम के अंदर है, हर रूम में। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाते होंगे कि मास्टर बेडरूम है कौन सा? एक्चुअली द लास्ट रूम दैट यू विल सी दैट इज माय प्रेफर्ड रूम इफ आई वर टू यूज अदर बेडरूम। आई लाइक दैट रूम बट वी विल सी व्हेन वी गो देयर। ओके, हियर आल्सो देयर इज अ ड्रेसिंग। यस सर, अभी तो मैं वॉशरूम के अंदर से आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने अलमीरा है बड़ा सा, सो वॉकिंग क्लोजेट है ये। इसमें भी लाइट्स वाइट्स ऑलरेडी लगी हुई है। हाँ, फिलहाल लाइट्स ऑन किए हुए हैं हमने पहले से, ये देखिए। और अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। सो जब आप अंदर जाते हैं वॉशरूम से पहले यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। हाँ, ड्रेसिंग का ये। जी, एंड देन ये आपका वॉशरूम, इसमें भी मिरर से पार्टीशन किया हुआ है। एंड गीजर्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। अभी तक जितने भी वॉशरूम देखे सर, मुझे कहीं पे लीकेज विकेज ये सब दिखा नहीं। लीकेज नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ढूंढने का, बट दिख नहीं रहा है। नहीं, वेरी नाइस। एंड जैसा कि सर ने पहले ही बताया था और हमने भी देखा था, तो गार्डन जाने का हर रूम से एक्सेस है, तो आप अपने लॉन पे यहाँ से भी जा सकते हैं। इससे पहले जब मैंने आपको गार्डन दिखाया था तो उस तरह से दिखाया था। और ये स्पेस है, देखिए गार्डन स्पेस। ये पीछे वाला स्पेस है आप, और सामने वाला स्पेस ऑलरेडी आपको दिखा दिया मैंने। बिल्कुल जी, अब हमने चार रूम देख लिया है, अब हम पांचवे पे चलते हैं। सो दिस इज द फिफ्थ रूम।
This is the fifth room. This which is again kind of my preferred room. Okay. It has a kind of curved kind of a thing, right, which gives you a feeling of difference, a slight bit of royalty or difference. Right, sir. Then as you wake up in the morning, you see greenery outside. It is always, always, always green. Right. Iska size kya hai, sir? Iska size hai 20 by 13. 20 feet by 13 feet. 20 feet by 13 feet. And और इसके आगे ये अभी तो फ्लावर नहीं है, अदरवाइज इट इज सो फ्लावरी दैट आप ये सामने जो श्रब देख रहे हैं दे आर जस्ट फुल ऑफ फ्लावर. ओके. एंड सर इसमें जैसे ये आपका अपार्टमेंट है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्किंग कितने हैं? दो कवर्ड पार्किंग है. कवर्ड पार्किंग है? दो कवर्ड पार्किंग है, वन इज इन लोअर बेसमेंट, वन इज इन अपर बेसमेंट. ओके. एंड एडिशनल थिंग, नॉर्मली वो होता नहीं है यहाँ, जैसे कोई विजिटर आते हैं, जैसे आप आए हैं जी, दे आर डेजिग्नेटेड विजिटर पार्किंग अवेलेबल हियर. ओके. सो दैट दे डोंट एंड अप पार्किंग इन जस्ट एनी वन ऑफ द स्लॉट एंड कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट. राइट. तो द विजिटर पार्किंग आर वेरी प्रोमिनेंटली मार्क्ड एंड विजिटर्स आर told to specifically park in them. If you just turn around and see, there is a visitor written there, 192L. Yes, I can see. I'll just zoom it ki sabko dikhe. Dekhi car park hai aur wahan pe visitor hai. So there is a visitor parking. Okay. So it maintains kind of a discipline that there is no inconvenience to the resident. All right. And then we have the dressing area, walk-in cupboard. So walk-in closet यहाँ पे भी है, लेकिन ये उससे भी बड़ा है. सबसे पहले जो देखा वो बड़ा लग रहा था, सेकंड देखा तो उससे बड़ा लग रहा है. दिस इज लाइक एक छोटा सा सर्वेंट रूम जितना बड़ा है ये. राइट 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 जी. तो यहाँ पे भी अलमीरा है. अलमीरा है. एंड देयर इज अ ड्रेसिंग मिरर. देयर इज अ मिरर हियर. एंड आई थिंक इस रूम के लाइट्स ऑफ है एंड देन नेचुरल लाइट ही इतना है. नहीं, नेचुरल लाइट ही इतना है कि नॉर्मल विजिबिलिटी काफी है. एंड देन दिस इज द वॉशरूम. द बाथरूम हियर आई वाज सेइंग जी. To my mind, this is a small space for jacuzzi. So it is okay. Not fitted here. Okay. You see the shape here जी. And the water outlet there. Right. A small jacuzzi can definitely be fitted here. Right. इतना बड़ा तो है ये. हाँ हाँ. Great sir. So there's a. Sir, what is the size of this bathroom? This bathroom is 8.5 into 8. Okay. Dressing was 8.5 into 7. 8.5 feet into 7 feet. Into 7 feet of the dressing area. जी. This is 8 feet, 8 into 8.5. Okay. ठीक है sir. तो nice size bathroom. Large size, very large. Yes. Not large sir, very large actually. Yeah. काफी huge है, काफी अच्छा है. So we have seen the 5 bedroom. जी. The drawing room, the dining room, the family lounge, the kitchen, and the servant room. Right. These and we have seen the front and back lawn. Right. Lawn certainly needs to be done up, but this is something which one can do very well जब यहाँ रहते हो. जी. क्योंकि तब आपको कुछ भी लगाना, आपको मान लो एक पर्टिकुलर रात की रानी का पौधा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं. जी. बट अगर कोई नहीं रह रहा तो टू दैट एक्सटेंट इट सफर. राइट. अब जैसे जो मेरे टेनेंट थे पिछले, उन्होंने तो इसमें स्विंग भी लगा रखी थी, बहुत सुंदर स्विंग लगा रखी थी. ओके. एंड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन द वेदर इज वेरी प्लेजेंट दे यूज्ड टू एंजॉय इट क्वाइट अ बिट. राइट. सर इसमें जो हम मेंटेनेंस चार्ज करते हैं, सो उसमें क्लब हाउस भी इंक्लूडेड है? क्लब हाउस है यहाँ पर. क्लब हाउस के अंदर फैसिलिटीज है इनडोर बैडमिंटन कोर्ट जी, स्क्वैश कोर्ट, बिलियर्ड कोर्ट, अ स्मॉल रेस्टोरेंट. And then outdoors we have a cricket practice area where it is kind of covered with net. Okay. And then there are 2 badminton courts. So there are some other facilities also which I have not used. I am not too familiar with. Right. So what do you suggest? Who should be shifting here? जो old age हैं उनको आना चाहिए या जो youngsters हैं उनको आना चाहिए या जिनके बहुत young बच्चे हैं उनके खेलने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं? बहुत बहुत चीजें हैं. और मेरे हिसाब से एनी पर्सन हु वांट्स टू एंजॉय द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड ऑप्ट फॉर दिस साइट. ऑलराइट. यहाँ से मेट्रो स्टेशन कितना दूर है सर? मेट्रो स्टेशन जैसे हम बाहर निकलते हैं गोल्फ कोर्स रोड पे, अबाउट 500 मीटर इज द मेट्रो स्टेशन. सो वॉकिंग डिस्टेंस में मेट्रो स्टेशन. वॉकिंग डिस्टेंस. एंड नॉट मोर देन 500, इट कुड बी लेस. एंड जितने भी फॉर्च्यून 500 गुड़गांव में कंपनीज है, हाँ, वो इसी सोसाइटी के आसपास है. या विद इन द रेडियस ऑफ आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होगा. आई थिंक आई मे बी एग्जैगरेटिंग जी, बट दैट एड्रेस ऑन गोल्फ कोर्स रोड इन इटसेल्फ सेज ऑल. राइट. This is the most posh area of the entire Gurgaon city. जी. And it is very well located, very well maintained, and more on top of that, the residents comprise a whole lot of very successful people in life.
आप यहाँ पर जब मिलेंगे ना तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आई एम इन अ रॉन्ग कंपनी। जी जी, जितना भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, पर जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है तो पीपल आर वेरी नाइस, देर आर कम वेरी इन रिटायर्ड आर्मी एयरफोर्स पीपल, देर आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड देर आर वेरी हाई पोजिशन फॉर एग्जीक्यूटिव। ओके, एंड डॉक्टर्स ऑल्सो, doctors, I am myself a chartered accountant, okay. So doctors, PAs, etc. And a whole lot of very successful people are living in this society. Very nice, sir. आपने सर price क्या सोचा है इस? I am looking at a price of 4.5 CR. 4.5 CR? Yeah. Okay. Which translate into 11,000 rupees square feet around. 11,000 rupees square feet. For 4,000 square feet apartment. Yeah. कहाँ से चले सर गार्डन? जी ओके सर, दिस इज द गार्डन एरिया। सुपर सर, मैं एक बार चारों तरफ घूम कर दिखाता हूँ। नो हार्ड गेम्स, क्रिकेट विकेट नहीं खेल सकते, बाकी छोटे बच्चे डेफिनेटली खेल सकते हैं। सुपर, वेरी सूदिंग। एंड अगर आप सामने देखेंगे वहां पे देखिए, मैं जूम करता हूँ, वो मेट्रो लाइन जा रही है, आपको मेट्रो दिखेगा गोल्फ कोर्स रोड का, जस्ट आउटसाइड द गेट, राइट। एक्चुअली यू कैन सी द गेट आल्सो देयर। हाँ, आई कैन सी द गेट हियर। जी, बहुत ही सूदिंग है सर, इट्स वेरी नाइस। तो यही एक ब्लॉक है, यहाँ से ये जो ब्लॉक पूरा हमें दिख रहा है, यही ब्लॉक, अदर ब्लॉक्स आल्सो एंड दे हैव सेपरेट लॉन। सो टोटल कितने एकड़ की ये सोसाइटी है? नॉट, नो आई डोंट हैव। हाउ मेनी टावर्स आर देयर? देयर आर 10 टावर्स। 10 टावर्स, यस। ओके, सो आई थिंक 10 एकड़ के करीब का होना चाहिए, ज्यादा होगा। ओके, वेरी नाइस सर। और ये वाले बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर है, हम उसमें गए थे अभी, एंड टोटल कितने इसमें फ्लोर्स हैं सर? इसमें शायद 12 फ्लोर। 12 फ्लोर, जी। तो एक बार मैं आपको ऐसे करके अपार्टमेंट भी दिखा देता हूँ चारों तरफ से ना, कि आपको आइडिया हो जाए कि हम कहाँ पे हैं। एंड अगर मैं बाहर से भी देखूँ तो मुझे कहीं पे कॉन्क्रीट झड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं पे टूटा फूटा तो नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। जूम भी कर देता हूँ कि सोसाइटी की मेंटेनेंस इज वन ऑफ इट्स स्ट्रांग पॉइंट। Location is also very strong point. Yes. Golf course road. Yeah. There is a small area for the children swings and all those things. वहाँ पे भी चलते हैं। Have a look. Yes. Why not? And this is the area where you can sit and kids can play. Absolutely. There. Kids playing right in front there. Right. And very green. So this is the kids play area. This is the kids play area. So slides हैं यहाँ पे, swings हैं, सारे कुछ है छोटे बच्चों के लिए। My daughter would have enjoyed यहाँ पर। And you know one more thing, these are not steel. Okay. So that these do not get hot when it is summer. Okay. So otherwise agar ye steel ke bhi hote hain, but agar steel hota to that becomes very hot and not usable by children. Oh, if you see all these are high grade plastic material which does not become too hot and does not harm the children. And I think yahan pe sand bhi dala hua hai ki bachche mitti se bhi khel le thoda. Nahi, aur fir dusre girne se chot nahi lagti. Right. Bachche thoda bahut bhagenge daudenge to thoda bahut wo rehta hai. Right. And I can see wahan pe kuch covered hai. That is also a lawn tennis area. That is lawn tennis area. मैं zoom करता हूँ। So that is the lawn tennis area वहाँ पे। There is a cricket area also and there is another lawn tennis area. Okay. And clubhouse कहाँ पे है? यहाँ पे। Clubhouse हमारी building के back पे है, we'll go there. अच्छा, all right sir, वहीं चलते हैं। बहुत ही green है, very well maintained. ये जो आप देख रहे हैं? जी। ये बेसमेंट में जाने के लिए स्टेयर केस एंड लिफ्ट है। देयर आर थ्री सच थिंग्स देयर, वन इज हियर, वन इज देयर, थर्ड इज देयर, राइट इन फ्रंट। एंड आई थिंक दिस इज अ लो डेंसिटी सोसाइटी, एंड दिस इज अ लो डेंसिटी। ओके, एंड हमने जो फ्लैट देखा था ये सामने वाला, बाहर से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। सो अगर हम अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं और वॉक करते हैं तो आई थिंक विद इन 30 सेकंड्स आप क्लब हाउस भी पहुंच सकते हैं। एब्सोल्युटली, क्लोजेस्ट टू क्लब हाउस है एक तरीके से। जो आपका फ्रंट लॉन है दैट इज फेसिंग द क्लब हाउस? नो, द बैक लॉन, दिस इज द बैक लॉन। अच्छा, दिस इज ये जो इसके पीछे वाला लॉन है, हां ये पीछे, राइट, वहां से भी आप क्लब हाउस की तरफ आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पीछे वाले एंट्रेंस से आ सकते हैं। जी,
ये मेन एंट्रेंस यहाँ से है, मेन एंट्रेंस इधर है। ओके, यहाँ पर अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है अभी, पर मैं आपको बता देता हूँ, इट हैज़ अ स्विमिंग पूल। ओके, मैं देख सकता हूँ यहाँ से स्विमिंग पूल वाला एरिया। देन देयर इज अ स्क्वैश कोर्ट, ओके, देयर इज एन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, देयर इज अ बिलियर्ड रूम, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ स्मॉल रेस्टोरेंट और क्लब काइंड ऑफ अ थिंग। पीछे लॉन भी दिख रहा है। हाँ, पीछे भी लॉन है ये, तो फॉर स्मॉल फंक्शन दिस इज यूज। हाँ, यस, देयर इज अ स्मॉल स्टेज ऑल्सो। या, स्मॉल स्टेज ऑल्सो, वेरी नाइसली मेंटेन। जो ग्रीन लुक एंड फील है ना, दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर हियर। यस, इट्स वेरी नाइस। मतलब आपको लगता नहीं कि आप कॉन्क्रीट के शहर में इस तरीके से, मिनी जंगल काइंड ऑफ अ थिंग। आप देखिए, जहाँ पे भी आपको सिर्फ ग्रीन ग्रीन ही दिखेगा। और हमारे अपार्टमेंट में तो खिड़की खोलो और ग्रीन सामने, बिल्कुल। आप ऊपर रह रहे हो तो थोड़ा ग्रीन, क्योंकि ग्रीन की लिमिटेशन है, 20 फुट तक जाता है नॉर्मली। ग्राउंड फ्लोर में रहने का अपना ही मजा है, अपना पार्क, बोथ दी साइड्स। या, ग्रेट सर, एंड इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू सर। बहुत अच्छा लगा आपका खाते के, बहुत अच्छा लगा। प्रचार, आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू सर, एंड इट इज अ प्लेजर दैट यू केम हियर टू डू दिस फॉर मी। थैंक यू सर, थैंक यू।